सिविल लाइंस जिसे जयपुर शहर का दिल भी कहा जाता है, वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं गोपाल जी शर्मा हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि सिविल लाइन क्षेत्र में जो अभी मौजूदा विधायक हैं, उनके काम से किस तरह से आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो किस तरह से आपको रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है जनता का, कि क्या उनके काम से दुखी हैं या फिर जनता बदलाव देखना चाह रही है? देखिए, उनकी स्थिति ये है कि लोगों ने कैबिनेट मंत्री तो मानना बंद कर दिया और विधायक कहने लग गए। वो भी 10 दिन कह लेंगे, विधायक की तो जा रही है। तो इसका मतलब साफ है कि जनता अब बदलाव चाहती है, और अब इस कदर बदलाव है, देखिए आप अगर कांग्रेस के पिछले कार्यकाल को उठाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी जो गतिविधियां रही हैं उसका आपको लगता है कि बीजेपी इस बार फायदा उठा पाएगी? नहीं, फायदा उठाने का सवाल नहीं है। जो हिंदुओं के खिलाफ तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई है उसको लेकर बहुत बड़ा उद्वेलन उठा हुआ है, जनता में लहर चल रही है, और 2-3 दिनों के अंदर ये लहर तूफान में बदल जाएगी, कोई टिक नहीं पाएगा सामने। आपका क्या विजन है, आप किस तरह से जनता के लिए मुद्दे लेकर जा रहे हैं, कौन से ऐसे वादे हैं जो आप सिविल लाइंस को देना चाह रहे हैं? देखिए, सिविल लाइन जयपुर का दिल कहा जाता है, तो उसके हिसाब से आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं? देखिए, मैं जनता को माँ की तरह से देखता हूँ। कोई मेरे से पूछे कि आप अपनी माँ के लिए क्या करेंगे, तो जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी वो करेंगे। हम अगर जान भी देने की बात आई तो वो भी दे देंगे। ऐसे ही कर्मठ कार्यकर्ता की ज़रूरत है। आप देख पा रहे हैं जनता का कितना प्यार उन्हें मिल रहा है। एक ही नारा जय सियाराम और गोपाल शर्मा जिंदाबाद के नारे लगा रही है जनता। अब देखना दिलचस्प होगा कि सिविल लाइन में अब जनता इस बदलाव को किस तरह से लेकर आने वाली है। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7333990049 पर।